इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें एक सब्जी वाला नाले से सब्जियां निकालकर ठेले पर सजाता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने ठेले वाले से सब्जियां लेने से तौबा ही कर लिया। इस वीडियो पर पुलिस की भी नजर पड़ी। जांच में पता चला कि ये सब्जी वाला मुंबई का है। उसकी पहचान 36 साल के हसीम बक्चू अंसारी के रूप में हुई है। पुलिस ने जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, तब उसने जो कहानी पुलिस को बताई, उसे जानकर अब लोगों का आक्रोश थोड़ा कम हो सकता है। दरअसल सब्जी वाले का ठेला एक गड्ढे से टकरा गया, जिससे सब्जियां वहां खुले नाले में गिर गई। और इसके बाद जब वो उन सब्जियों को उठा रहा था, तब किसी ने इसका वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। पुलिस ने वीडियो के वायरल होने के बाद सब्जी वाले को ढूंढा और उसे थाने लाकर पूछताछ भी की। भिवंडी सिटी पुलिस ने बताया कि ठेले वाले ने बताया है कि ठोकर लगने पर सब्जियां नाले में गिर गई थी, जिसे वो उठाता हुआ नजर आया है। और इस वीडियो के आधार पर सब्जी वाले पर सेक्शन 273 के अंतर्गत केस दर्ज किया जा चुका है। इस धारा में कोई भी जहरीली चीज खाने और पीने के लिए बेचते पाए होने पर सजा दी जाती है। इसमें अपराधी को करीब 6 महीने की जेल या फिर 1,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों ही सजा के तौर पर दी जा सकती है। वायरल हुए इस वीडियो में ये शख्स गटर से सब्जियां निकालते हुए देखा जा चुका है। इस शख्स ने गटर से टमाटर मटर निकालता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही उसने गटर से गोभी भी निकाली है। इसी के साथ इन सब्जियों को निकालकर उसने वापस ठेले पर सजाया और फिर बेचने के लिए वो निकल गया है। इस वीडियो को इस्लाम से भी जोड़कर वायरल किया जा चुका है। लेकिन अब सब्जी वाले को अरेस्ट होने के बाद बाकी की कहानी सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, इस खबर पे आपकी क्या राय है, आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी तरह की न्यूज और अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।